आप इनकी कथा लिख रहे हैं, ये भी एक अद्भुत कहानी है। बहुत कम पत्नियां होती हैं जो अपने पति को अपने उपन्यास का विषय बनाती हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको अपनी कहानी उतना याद नहीं है सर जितना मैम को याद है, रीता जी को जितना इनकी कहानी याद है। हाँ बिल्कुल ठीक है मनोज जी, एक्चुअली इन्होंने वो सारे एपिसोड्स जितने भी हुए होंगे सबको कलेक्ट किया और उसको एक्चुअल वेरीफाई करने के बाद जिसे जानना चाह रही थी उस जगहों को विजिट किया इन्होंने। मैंने विजिट जाकर देखा, जहाँ जहाँ भी रहे हम, जहाँ जहाँ भी जिस तरह से दानापुर का एक घर है याद आता है, इनके पड़ोस में था, चारों तरफ घर बीच में कुआं, तो अक्सर वो लोग कहते थे कि हम लोग तभी समझ गए थे कि शेखर बबुआ कुछ ना कुछ बनेगा, मतलब हम लोगों से कहीं ऊपर उठकर जाएगा समाज में, क्योंकि हमारे बच्चे खेल कूद रहे हैं फुटबॉल, और ये फटाफट अगल बगल का पुराना पेपर लेकर के कई बार लगता था कि कुएं में न गिर जाए, जंप करके छत के ऊपर चला जाता था खपड़ा की छत पे और वहाँ बैठ के चुपचाप पढ़ता था। तो उन सब जगहों को भी देखने का मौका मिला मुझे, और कुछ ऐसे लोग भी मिले जब जान गए कि ये आया है शेखर अपने मेयर बाबा के गांव पर, तो पूरा टीटागढ़ बंगाल वो हुगली नदी के किनारे है, वो मंदिर माता का विशालक्षी माता का मंदिर है उस जगह का नाम है। पुजारी से भी मैं मिली टीटागढ़ म्युनिसिपल, अब वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 10 साल पहले की बात है, मैं मिलने जब गई थी तो अब तो नहीं रहे, पर उनके पुत्र को भी याद है कि हम लोग छोटे से थे तब ये भैया बबुआ दौड़े हुए आए माँ के सामने खड़े हुए, बोले मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुछ बन के लौटूंगा, माता को भी उस रूप में याद करके निकले थे। तो मतलब मुझे यही लगता रहा कि ऐसी घटना शायद हर उस व्यक्ति के जीवन में आती है जो समाज से कुछ अलग तय करता है, इसलिए जब माननीय मोदी साहब जी की बात आई थी, नरेंद्र मोदी जी की, तब भी मेरी आंखें भरी थी कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जब करती है सृष्टि कुछ अलग सा, तो ऐसी घटनाएं क्यों टकराती हैं जीवन में, पर शायद वो अन्य व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए सामने आती हैं कि कई ऐसे लोग आए सामने जो इनसे प्रेरित हुए, कई लोगों ने मुझे चलते चलते जीवन में ट्रेन में मिले, अच्छा अच्छा सिंह साहब सर, हम लोगों ने अभी अभी 2 महीने पहले शादी हुई लखनऊ में, एक SP हैं हमारे मित्र IPS ऑफिसर उनके लड़के के, तो कुछ अधिकारी जो अभी भी हैं सर्विस में और कुछ रिटायर हो गए, कि भैया के निकलने पर चाहे सर के निकलने पर, क्योंकि वो सर्विस में जूनियर हो गए, तो उनके निकलने पे जब ये बातें आई कि वो ऐसे पढ़ के निकल सकता है, पटना साइंस कॉलेज का एक नाम दिया उसने उस समय में कि एक झटके में एक तेजी के साथ इस तरह से बिना किसी की मदद के एक व्यक्ति निकला है, तो हमें भी निकलना है, तो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी था ये व्यक्ति, और जिस तरह के परिवार से जुड़ा और वहां भी एक मतलब प्रमाण दिया इस रूप में, हमारी शादी के समय यशवंत सिन्हा जी जो पापा के मित्र थे, पूर्व आपके वित्त मंत्री भी रहे, वो लोग भी उपस्थित थे, तो कईयों ने कहा कि तुमको अपनी पुत्री के लिए यही लड़का मिला जिसका न ओर है न छोर है, कल को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे तुम्हारी, तो इन पिता ने कहा कि बेटियां अपना भाग्य लिखा कर आती हैं, जब तक मेरे पास है जो कुछ मुझे देना था, क्योंकि मैं जो कुछ हूं वो पुत्र नहीं बताता है, पुत्री ही बेटी ही बताती है कि पिता क्या था, तो वो मैंने इसको सब कुछ दे दिया है, इसके साथ दिया है, अब इसकी किस्मत ये इसे हंसाता है या रुलाता है। बहुतों के कहने के बावजूद फिर हमारी शादी तय हुई, नहीं तो 2-3 महीने रोका गया था बीच में कि रुक करके होगी, पर आते हैं आपकी शादी तक आते हैं। आपने पास कर दिया सर, उसके बाद अमूनन 10+2 में ये डिसीजन हो जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है। मैंने रीता जी से भी पूछा था सवाल, तो आपने क्या, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे, आपने बताया कि जिस क्लास में थे उससे अगले क्लास को भी आप पढ़ाते थे, तो क्या ने अपने लक्ष्य क्या पहले से ही सोच रखा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या वो परिस्थितिवश ऐसा लक्ष्य बना? नहीं, लक्ष्य बाद में चेंज हुआ, शुरू में उस समय 10+2 का सिस्टम नहीं था, हायर सेकेंडरी था, हायर सेकेंडरी के बाद इंटरमीडिएट ISC कहते थे, तो ISC के बाद अमूमन लोग इंजीनियरिंग, या उस समय काफ़ी क्रेज था लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो एक मन के किसी कोने में, चूंकि फादर डॉक्टर थे, तो मन में आया कि डॉक्टर बनना चाहिए,
तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी शुरू की थी, लेकिन फॉर्म भरने के बाद हमने फॉर्म को फाड़ दिया था, क्योंकि फादर से एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी कि इस प्रोफेशन वो नेचुरल था। डॉक्टर थे सर्जन थे, बहुत अच्छे सर्जन रहे, वो रोरिंग प्रैक्टिस रही, गवर्नमेंट डॉक्टर थे, लेकिन फिर वहाँ से हमने मेडिकल के जाने के बारे में सोचा नहीं। फिर हमने आगे ग्रेजुएशन में आगे थोड़ी सी जर्नी को रोकते हैं कि पिता के प्रति जो मन में तीखापन था, जो कड़वाहटें थी, वो बाद में कभी कम हुई? हाँ। या वो आए और आपसे मिले, वो रिजॉल्व हुआ? हो गया था बहुत एंड में, शादी के समय। शादी मेरे पिता ने ही इनका रूप, और वो उसमें मूल फैक्टर जो है फादर इन लॉ थे। हाँ, पापा। उन्होंने किसी तरह से समझाया कि उनको शादी में बुलाओ, और शादी के बारात में वो आए थे, लेकिन हमसे बातचीत नहीं होती थी। एक दर्शक के तरह आए और शादी में पार्टिसिपेट किया। नहीं, उनकी डेथ हो गई 98 में जी। और उसकी चिड़ की बात जहाँ तक है, जो उन्होंने किया वो मन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को तो जल्दी नहीं भूला जा सकता। तो था उस आक्रोश में मेडिकल का नहीं, मेडिकल को फाड़ दिया और फिर लक्ष्य हमने चेंज कर दिया था जी। लेकिन उसी दौरान ये छात्र आंदोलन जब आया, तो 74 से 77 के बीच में काफी उन्मादी वातावरण में, काफी जोश में हमने भी छात्र आंदोलन में रहे, और जब जब हुआ, जैसे जैसे हुआ, कई बार जेल रहे, कभी 2 महीने, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन, और इस तरह से वातावरण रहा। और हमें लगभग जिंदगी का वो 3 साल डिलीट हुआ कह सकते हैं। 3 साल पढ़ाई नहीं की थी हमने, 74-75 काफी बच्चों ने, मतलब पूरा, और वो उस समय पूरा ही ग्रुप जो था उस पीरियड के, उन सबके 3 साल चले गए। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में साइंस कॉलेज चला गया। उस समय बिहार धधक रहा था। नहीं, वो जयप्रकाश आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने बहुत सारे नेताओं को जन्म दिया, और बहुत सारे गांवों का जीवन भी लिया। किसी वजह से फिर मैं उस राजनीति से इस तरफ मुड़ गया। मैं कभी था उसमें जैसे मैं राजनीति कर रहे थे, मन में था कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है या नेता बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचा हमने। बस हम एक आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में थे, छात्र नेता भी थे, कुछ मित्र कहते थे, ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई। कुछ मित्र कहते थे कि तुम बनोगे नेता तो असली नेता, तुम अगर कहीं से भी खड़े होगे तो तुम नेता बने तो हम लोगों का क्या होगा। लेकिन पता नहीं, वो नियति को मंजूर था, भगवान को मंजूर था। अगर ईश्वर मौका देगा तो मैं जरूर करूंगा, और मैं अपने क्षेत्र से ही खड़ा होना चाहूंगा। आप राजनीति में आना चाहेंगे? लेकिन हम लोगों ने पहले आपस में डिसाइड किया था कि राजनीति के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, हमने काम करना। आपने तो कहा कि ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो, मतलब है कहने के मन में आना भी चाहेंगे। हाँ। मैं जिस भी रूप में, बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। रूप किस रूप में उत्तरदायित्व दिया जाएगा मैं नहीं कह सकती, पर जब अगर मुझ पर भरोसा और विश्वास करती है सरकार या राष्ट्र करेगी, तो मैं उसका उत्तरदायित्व बखूबी निभाऊंगी। सिर्फ ये कि राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा और उन हमारे तरह उन सारे बच्चों की सेवा या हेल्प होनी चाहिए जो अगर हमारे जैसी स्थिति से गुजरे हों। चलिए हम आते हैं आपके फाइनल परीक्षा पर, जहां से आपका प्रशासनिक जीवन शुरू होता है। ये जो IFS है, जो परीक्षा आपने पास की, वो आपका चॉइस था या मजबूरी में लेना पड़ा? जैसे सिविल सर्विसेज में सबसे ऊपर IAS होता है। नहीं, वो एग्जाम अलग होती है। तो नहीं, हाँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए आपने सोच ही लिया था IFS करना है? मेरा प्रकृति से शुरू से प्रेम था, क्योंकि MSc में मैं इकोलॉजी में पहले भी MSc स्पेशल पेपर था मेरा। अच्छा, तो वो एक काफी हमारा नेचुरल एफिलिएशन था इस सर्विस। आपके चॉइस की चीज आपको मिली। तो मिली, और फिर हमने हिमाचल प्रदेश कैडर भी ऑप्ट किया, और उसमें हम गए और वहां पर काम लगा। आपको की प्रकृति के ज्यादा करीब? नहीं, वो इसके पीछे एक घटना जोड़ी जा सकती है कि प्रकृति से इनको भी प्रेम था और प्रकृति से मेरा भी लगाव शुरू हो गया था कविताओं के दौर में। तो जब हमारी शादी की बात चली, पापा बोले कि आप लोग सब विरोध कर रही हैं, पर ये तुम लोगों ने कभी देखा है गौर से कि तुम्हारी बेटी माँ को कहते थे किचन गार्डन में जाके केला के पेड़ में, अमरूद के पेड़ पे बैठ के वो कविता लिखती है?
मैं उस लड़के के हाथ में इसको दे रहा हूँ जो प्रकृति के बीच में ही रहेगा, वन की सेवा करने वाला है, इसलिए समझो कि ये मैं नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ। शादी जब हुई तब आप ज्वाइन कर चुके थे? हाँ, ये एक साल। हाँ, मई 81 में हमने ज्वाइन किया था और ये शादी हमारी 8 मार्च 1982 को। याद है, क्या बात है। लेकिन इसके पहले मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। हाँ। और इंडियन एयरफोर्स में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंडियन एयरफोर्स नहीं ज्वाइन किया, आरबीआई में 11 महीने कार्य किया था, उसको छोड़ करके फिर मैं भारतीय वन सेवा में अपने प्रशिक्षण के लिए चला गया देहरादून, फिर मसूरी पहली बार में। चलिए, आप दोनों का सफर अब साथ साथ शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश जी। आप आ गए और 82 से लेकर शादी के बाद से लेकर अब तक 36 साल, इस 36 साल के सफर को हम समेटते हैं। हालांकि एक घंटे में पूरे जीवन को समेटना बड़ा मुश्किल काम होता मुश्किल है। और कहते हैं कि कहां से युद्धता की जय, बड़ी मुश्किल है दरवेशो, कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का, तो मुश्किल है समेटना। लेकिन बड़े संक्षेप में समझाना चाहूंगा कि जो ये वन का आपका जीवन था जिसको आप चाहते थे, उस सफर में रिटायर आप कब किए? मार्च 2017। मैंने ये 35-36 साल तो ही 36 साल का जो सफर था उसमें ऐसा कौन कौन सा अचीवमेंट है, महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से आपको आईएफएस का जब इतिहास लिखा जाए या ऑफिसरों का तो आपको याद किया जाए? अच्छा, इसमें सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आपको कि 1990 के दशक में 83 से 7 साल यंग ऑफिसर थे हम, उस समय फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में काफ़ी सक्रिय रहा मैं जी। और सारी जो स्मगलिंग के लोग होते थे या माफिया होती थी वो मेरे नाम सुनकर ही घबराते थे, आज से दिल्ली से लेकर के हिमाचल। और उन्होंने आगे इसमें षड्यंत्र भी रचा इनकी सर्विस में प्रॉब्लम करने के लिए। वो सारी जो भी प्रॉब्लम हमें फेस हुई है उन माफिया की वजह से हुई है, लेकिन हम इनका धन्यवाद करेंगे रीता जी का, जिन्होंने हमें हर पग प्रसाद दिया और इन्होंने कहा कि आपको झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आना है, इसलिए कि मुझे कोई सुविधा मिले आप अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करें। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीतिक दबाव। किस तरह के दबाव होते थे? राजनीतिक दबाव, मैं किसी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जो कि मैंने आपको बताया था कि वनों के विनाश के ओर रहते थे या माफिया से मिले होते थे और उसको कंट्रोल करने में उनका हस्तक्षेप होता। कभी उनसे खतरा, उन्होंने अटैक किया, माफिया ने अटैक किया, हमारे घर को आग लगा दिया जब मैं अकेला था, बच्चों पे भी कई बार प्रेशर, इसलिए हमने बच्चों पर भी किया, घर से दूर रखा हॉस्टल में, परंतु माता की कृपा रही जो उन्होंने बचाया बच्चों को भी और हमारे परिवार को भी, परंतु हम उसमें निर्भीक होकर काम करने की कोशिश की हमने, वो शक्ति भी ऊपर से ही आती रही हमें, पर वो कार्य करने की जो निर्भीक शक्ति थी या इनकी शक्ति यानी कड़ापन जो था वो कभी कभी परिवार पर बहुत भारी पड़ जाता रहा, बहुत भारी पड़ा। तो जल्दी ट्रांसफर होना, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग धर्मशाला हुई थी जो प्रशिक्षण का एक पार्ट होता है, ज्वालामुखी, माता ज्वाला जी के, वहीं से शक्ति मिल गई थी हमें। ट्रेनिंग में क्या क्या आपको, कितने साल की ट्रेनिंग होती है? 2 साल देहरादून, 4 महीने मसूरी और फिर 9 महीने जिस कैडर में आप जाते हैं। मूल रूप से क्या सिखाते हैं उसमें ट्रेनिंग? वो जो हमने थ्योरी वहाँ किया, उस प्रैक्टिस किया, उसको इन प्रैक्टिस देखते हैं और उस स्टेट में क्या अपनी समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या मुश्किलें होती हैं एक आईएफएस उसमें, जो छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े ऑफिसर्स तक के रोल को समझा और परखा जाता है, वो 9 महीने में सीखने की कोशिश करते हैं। पहली पोस्टिंग बताया मैंने, माता ज्वाला जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ का रेंज ऑफिसर के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। आगे फिर? और उसके बाद फिर ज्वाला धर्मशाला में पोस्टिंग हुई जी। धर्मशाला कांगड़ा जिले का 3 महीने 3 महीने वहाँ रहे, उसके बाद हम शिमला चले आए। आपकी जिंदगी तो रीता जी वैसे ही, जब पिता थे तो उनकी वजह से शहर इसलिए मैं सभी प्रशासनिक मतलब परिवार की माँ को, बहनों को, बेटियों को बोलूंगी कि अगर इस
अधिकारी का हाथ थामा है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पर उसके तरीके अलग हैं, ये सोचकर उनके साथ चले उनके साथ। और यहाँ पे एक शब्द इनके लिए भी देना चाहूँगी, अक्सर मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं जो लोग सोचते हैं कि अचानक मैं मंचों पर क्यों बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ समय नहीं होता है विस्तार से उसे व्यक्त करने का। आप लोगों ने अभी इनके बारे में सुना, उस पर बहुत पसंद है मुझे। मैं आपकी कविता, हाँ, बस केवल इतनी सी कि भटकनों में अर्थ होता है, यानी ये व्यक्ति जिस तरह से भटकता रहा, भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। व्यक्ति मन की गहराई में डूब जाता है जब वो बेतरह असमर्थ होता है। स्व की खोई हुई शक्ति की पहचान होती है और वो फिर एक नए पथ की ओर अग्रसर होता है, नए पथ की ओर अग्रसर होता है। भटकनों में अर्थ होता है, टूटना कब व्यर्थ होता है। क्या बात है। और ये इन चीज़ों से मैं हर स्टेप पर इन्होंने मेरा साथ दिया है, क्योंकि ये जानती थी कि हमने जो है माता पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी रहने का मौका नहीं मिला उस तरह से। तो ये अब ना केवल पत्नी बल्कि हर तरह का रोल उन्होंने अदा किया। कितने बच्चे हैं आपके? दो हैं। सबसे सौभाग्यशाली तो मैं इसलिए कहूँगी कि मैं उन सौभाग्यशाली परिवार में हूँ कि मेरे घर बेटी है। दो बेटियां? नहीं, बेटा भी है, पर बेटी का आना हम लोगों के लिए मतलब इतना आनंद था कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मेरी माँ और मेरे में कुछ शर्त लगी थी कि तुम जो होता है कि तुम्हारा ये पांव रखना, ये चीजें, हमने कहा हो ही नहीं सकता है, माता मेरे घर स्वयं चल के आएगी, बेटी ही होगा। बोले नहीं, तुम ऐसी लगती हो, वो रूप है जो कहते हैं अक्सर जब माँ होने वाली हो बनती हैं बहनें, तो उस रूप में। पर मैंने बार बार अंदर से मांगती थी कि माँ बाद में किसी को दे देना, बच्चा दूसरा मेरा, पर पहले तुम आओ मेरे पास, क्योंकि बचपन से थोड़ा एक अगाध श्रद्धा रही है और अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ, तभी इधर उधर कभी कभी देख ले रही हूँ कि माता स्वयं बैठी कि देखो आज तुम्हें मैंने यहाँ पहुँचा दिया। तो वो उस रूप में बिटिया हमारे घर में आई है, इसलिए उनका नाम भी हमने भाव्या रखा। दुर्गा के 108 नाम में एक नाम आया। क्या कर रही हैं भाव्या? मूलतः भाव्या डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन से हैं, पर इन दिनों वो अपने नए परिवार जिसे कहा जाता है बेटी का परिवार, उसके साथ अपने पति के साथ हैं जो भारतीय विदेश सेवा में इंडियन फॉरेन सर्विस में 2013 बैच के अधिकारी हैं। अच्छा, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं आईएफएस के नाम पर बार बार, कभी दामाद में याद करती हैं कभी जी, जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अभी उनकी इस्लामाबाद पोस्टिंग है। और बेटा? बेटा बीटेक करने के बाद अपने जीवन को नए अपने तरीके से करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह के एग्जाम्स को देते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि संस्कारगत रूप से वो अपने इन्हीं पिता के आदर्शों को लेकर चलता हुआ, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास उतनी धन या किताब या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, तो वो बचपन से मेरे साथ ब्लाइंड स्कूल, ऑर्फेन आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जाकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और अभी भी वो अपने साथ कुछ बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं कि माँ उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, माँ उसका ये चीज़ अच्छा नहीं है, व्याकरण हिंदी जानता है पर हिंदी में पास होना आवश्यक है यूपीएससी के अंतर्गत या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, तो मैं उसके व्याकरण को अच्छा करता हूँ, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका नाम ईशान शेखर है। जी। आपने शादी के पहले के हिस्से पर बहुत रिसर्च किया अपनी किताब के लिए जी। जो बन जीवन का हिस्सा है 36 सालों का, मैं कुछ उसके रोचक संस्मरण जरूर सुनना चाहूंगा आपसे, बाकी तो किताब आ रही है बहुत सारी जी। या सर साझा करें आप जो आप अपनी तरफ से नहीं, जहाँ तक सबसे पहले मैंने बताया कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो वन संरक्षण में 3-4 चीज़ें बहुत मुख्य होती हैं। एक वन्य प्राणियों का संरक्षण, एक वनों का संरक्षण, वनों में वन्य प्राणी सीमित है, और साथ में वाटर कंजर्वेशन, और चौथा जो है लोगों का सहयोग, भागीदारी। तो ये 90 से लेकर के लगभग 99 तक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मैंने बहुत ही मेहनत करके कोशिश की कि वहाँ के वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी अच्छी रहे,
और इसके लिए एक प्रोजेक्ट आई थी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे कार्य करने की कोशिश की जो लोग अभी तक याद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मैंने अच्छे काम किए, और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में वाइल्ड लाइफ के जो पोचर होते थे मेरे नाम से ही दूर भागते थे। वो इसलिए कि वो उनको मैं छोड़ता नहीं था, और आप भी जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में ये पोचिंग की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, और एक बहुत बड़ा गैंग है वो अलग अलग जगहों से कंट्रोल होता है। दिल्ली इसका एक सेंटर था, मुंबई सेंटर है, जहां पर कि ये अपने एजेंट के मार्फत चीजों को खाल खासकर स्किन, हमारे यहाँ टाइगर तो नहीं होते हिमाचल में, वहाँ लेपर्ड्स होते हैं, और लेपर्ड स्किन और ब्राउन बियर ब्लैक बियर उनके जो पित्त होती है बाइल गॉल ब्लैडर उसकी दवाइयाँ बनती है, वो उसके उसको मारकर और उसकी स्मगलिंग करते हैं उसको निकालने के लिए उनको। तो उसके बाद ही मैंने जो अपने जहाँ जहाँ भी मैं रहा, जब जब भी रहा, जब मैं DFO के रूप में था, मैं कंजर्वेटर के रूप में था, उन पर इतनी सख्त और नियंत्रण कानून तो है, कानून का सही ढंग से पालन करने की कोशिश की और उससे वो अच्छे अच्छे नतीजे मिले। और तीसरा जो जड़ी बूटियों का होता है, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो हमारी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, उसको संरक्षण करने के, और लोग ऐसे भी वहाँ बहुत निकालते हैं, पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ बहुत होती है, लेकिन उसका अवैज्ञानिक तरीके से निकालने के कारण उसकी जो है ना प्राकृतिक रूप जो है ख़त्म हो रहा है। उसमें हमने लोगों की कमेटी बनाकर और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और वो अभी तक जीवित है, मुझे इस बात का बड़ा संतोष है। आपके इस काम को, इतना महत्वपूर्ण काम आपने किया जी, कभी सरकार ने नोटिस किया? नहीं, सरकार ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वहाँ की आम जनता हम इसीलिए देखिए दोनों का इसीलिए कहानी कहते हैं कि वो सरकार तक भी आवाज पहुंचेगी जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। ये जो तरह तरह के अवार्ड मिलते हैं, कई संस्थाएं देती हैं, डिपार्टमेंट में है, आपको कभी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया आपके इस नेक काम के? ये इस तरह के सम्मानित यहाँ तो नहीं किया गया, लेकिन जहाँ जहाँ मैं अलग तरह के काम किए हैं वहाँ जरूर सम्मान मिला। मैं यूनाइटेड स्टेट्स, आपको नहीं लगता कि जस्टिस नहीं हुआ? नहीं, जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं मिला, यहाँ तक कि कभी कभी प्रशासनिक आधार पे भी न्याय नहीं मिला जो हमारे सीनियर्स कर सकते थे, क्योंकि जूनियर्स जिस व्यक्ति की इतनी इज्जत करता है और उनके काम करने के तरीके को लेकर चलना चाहता है अपने जीवन में भी और दूसरे तरह से भी, उस व्यक्ति को बार बार दूसरे तरीकों से रोका गया, कभी सस्पेंड करके, कभी चार्जशीट करके, बहुत सारे ऐसे दौर आए कि किसी तरह इसकी कार्य करने की नीति और गति दोनों अवरुद्ध हो जाए, तो उस चीज को परिवार ने सहा है। वो जो गैप होता था, अंतराल होता था, वो जो बीच के अंतराल की पीड़ा भरी जो यात्रा होती थी, जर्नी थी, उसमें कैसे संभालती थी परिवार को? इसलिए मैंने कहा आपको कि परिवार की जो मर्यादा थी उसमें पिता और ये मतलब नहीं चाहते थे कि मैं जीवन के इस रूप में यानी सबके सामने आऊं, इस रूप में एक लेखिका के रूप में जो अपने अपने परिवार की है, पर वो अंदर तो था ही, पर प्रकृति भी चाह रही थी, इसलिए शायद मैं इन सब चीजों को प्रारब्ध का एक नियम मानते हुए आत्मसात किया मैंने, कि शायद हमारे लिए लिखा गया था, जैसे राम राजा होकर के भी, राजकुमार होकर भी इतनी सुविधाओं में भी वनवास में गए, शायद हमें वनवास भी इसलिए यानी इस तरह की चीजों को इसलिए भेजा गया कि हम दोनों के द्वारा इन चीजों को समझना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में एक आम जनता कितनी परेशानियों को झेलती है, क्या देखती है और उन्हें क्या आवश्यकता है। तो जब जब इनके साथ ऐसा हुआ, शायद इसलिए मैं कॉलेज में गई, एक समय ऐसा भी आया कि ये क्या वजह रही, क्या रीजन रहा कि इनको विदाउट 1.5 साल, जबकि भारतीय वन सेवा के अधिकारी के नाते राज्य सरकार कानूनन शायद ऐसा नहीं कर सकती है, पर उन्होंने किया 1.5 साल बिना सैलरी के रखा। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा लगा इस सफर में कि आप प्रवासी हैं, आप अपने कई बार ही देश में, आप हैं हिंदुस्तान में लेकिन अपने ही देश में रहते हो, किसी अलग मुल्क में हैं, आप प्रवासी हैं और आपके साथ सौतेला व्यवहार हो? हाँ, ये सौतेला नहीं कहेंगे, मुल्क भी नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, सोच संकीर्ण है कुछ लोगों की, जो कि अखिल भारतीय सेवा जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, उसमें ये विचार नहीं, उसमें ऐसे विचार ना ही उत्पन्न होने चाहिए, और वहाँ के जो उच्च प्रशासनिक
और राजनीतिक लोग थे, उनको ऐसा सोच नहीं कर रखना चाहिए। लेकिन हुआ। लेकिन हुआ। बार बार हुआ, बार बार हुआ। मतलब यही की गई कि इसकी गति और नीति को किसी तरह, जैसे कि मैं अपनी नीति को चेंज करूं, सिद्धांतों को चेंज करूं और उनके साथ जो भी है। एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी को एक कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं अपने इस सफर के दौरान में ऐसे ऐसे जगह पर मेरी पोस्टिंग रही जहां पर भारतीय वन सेवा के लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, रेयर होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में प्रोफेसर भी रहा, भेजा गया क्योंकि मैं मेन फील्ड से बाहर हो जाऊं। और उसके बाद ऐसे भी जगह पर रहा जहां पर कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी रहा मैं, जबकि इनकी पोजीशन सेक्रेटरी रैंक में चली, वो कमिश्नर रैंक का होता है, लेकिन हमारा हमारी हमारी जो सीनियरिटी थी वो सेक्रेटरी रैंक पर। ये जरूर है कि हमने वहां जाने के बाद इस चीज को महसूस किया कि धर्म, लेकिन मैं वहां बताना चाह रहा हूं, माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आपने अभी अवार्ड की बात की थी, भारत सरकार ने इसको पहचाना था और वहां पर मुझे पूरे कंट्री में बेस्ट अवार्ड मिला था यहाँ पर अल्पसंख्यक, ये मोदी सरकार जी के इन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया, और साथ साथ में विकलांगों के मदद के लिए भी वो कॉरपोरेशन हेल्प करती है, उसके लिए मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। तो वो अवार्ड यहाँ भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, राज्य ने नहीं, और वो राज्य ने नहीं किया था, इसीलिए मैंने राज्य पर सवाल उठाया, एक प्रतिभा है तो व्यक्ति तो सबको है, तो वो माइनॉरिटी फाइनेंस में उसके बाद दिखाई देगा, हिमाचल में बैठे बैठे नहीं दिखाई देगा, और उनको दिखाई दिया और उन्होंने दिया। यहाँ आकर मैंने, यहाँ पर सामाजिक न्याय के मंत्री हैं मिस्टर गहलोत जी, थावरचंद गहलोत, उस समय उन्होंने दिया, अभी भी हैं। अच्छा। और उस समय के अल्पसंख्यक मंत्री थे नजमा हेपतुल्ला जी, और ये वर्तमान प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चयन, फाइनल चयन वहीं से होता है, उन्होंने इस चीज को समझा होगा। चलिए एक दो सवाल और लूंगा उस जर्नी पर, पहले मैं रीता जी के पास आता हूँ, जो आप कह रहे थे कि बीच बीच में जो अंतराल आया, जहाँ पर यहाँ टूटल शुरू किया, आपने संभाला शुरू किया, आपको कॉलेज जाना पड़ा, आपने पढ़ाया, हाँ जी, तो आप कितने समय तक आप अध्यापन कार्य में रहे? 5 से 6 साल तक कुल्लू कॉलेज में, हिमाचल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। बच्चे बहुत बड़े नहीं हुए थे, बेटा 3rd 4th में था, अचानक उसका ये बोलना कि माँ सो पापा के इतने बड़े बंगले और इतने बड़े घर से हम अचानक एक फ्लैट में क्यों आए। हमने कहा बेटा ये चलता है सर्विस के इसके अंदर, तो पापा पापा की वो लाल बत्ती गाड़ी कहाँ चली गई, हम मारुति में क्यों जा रहे हैं, यानी कई ऐसे जो, पर यहाँ पर आज बात हो रही है इसलिए इतनी बातें निकल रही, पर बच्चों को मैंने कभी भी इस चीज की ये चीजें नहीं टूटने दी कि उनके लिए उनका पिता ही आदर्श है, मैं नहीं, उनका पिता आदर्श है कि पापा बिना मां के होके उन्होंने इतना कुछ किया, पर ये समाज, ये राष्ट्र क्यों नहीं पापा को पहचाना, कि जो यहाँ तक कि वहां के कई मंत्री भी कहते थे कि आई नो वेल डॉक्टर रीता सिंह, यू आर ए वेरी एजुकेटेड लेडी एंड योर फैमिली बैकग्राउंड इज सो एंड सो, आई नो कि योर हस्बैंड इज अ वेरी गुड ऑफिसर, वो कहीं क्लब नहीं जाता है, ताश नहीं खेलता है, ड्रिंक्स नहीं लेता है, नथिंग, नो, बट उसे दुनियादारी सिखानी है, वट यू मीन दुनियादारी। तो इस तरह के कई पल आए, पर खैर उन चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा ये लगा कि हमने तो फिर भी हमारी फैमिली का, विशेषकर मेरी फैमिली का एक बैक ऐसा था, मजबूत था, कि सभी लोग आके संभालते रहे, पिता संभाले, भाई बहनों ने भावनाओं से जहां जिस तरह की आवश्यकता हुई सभी हमारे साथ थे, पर जिसको रहना चाहिए प्रशासन को, उस राज्य को, वो कहां था। तो मैं ये केवल कहना चाहती हूँ कि हमने देख लिया जिस चीज को आने वाले अफसरों को, आने वाले अधिकारियों को, विशेष करके किसी भी राज्य में जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जाते हैं, उन पर यह ध्यान रखा जाए कि इस तरह की परिस्थितियां ना आए, क्योंकि योग्यता कहीं सामने नहीं प्रकट होने देते। आपके संघर्ष की मैं बात कर रहा था कि पैरेलल आपका संघर्ष चलता रहा और आप इस कारण से नहीं जाने गई कि ठीक है आप एक प्रशासनिक, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी है, आपने अपना एक वजूद कायम किया, अभी भी आप काम कर रही हैं, हिंदी सेवा कर रही हैं, और उस समय एक ऐसा मोड़ आया जब आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़ी जी। और बहुत सारे केस आपने सॉल्व किए, उस अनुभव को, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत बड़ा, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा,
आपके अनुभव को साझा करना चाहूंगा कि कैसे 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 जाए और कैसे आपने उनको सॉल्व किया। अनजाने में कुछ ऐसे कार्य समाज के अंतर्गत विशेषकर हिमाचल प्रांत में इन संवेदनाओं की वजह से मैं जुड़ती चली गई। कभी ब्लाइंड्स बच्चों के साथ उनका वो स्पर्श, उनका वो बाकी अनुभव कि उनके घर में उनके साथ क्या होता था, और ये निरंतर 4-5 सालों 10 सालों तक होता चला गया। यानी एक कुल्लू ज़िले में एक ऐसा चेहरा, शायद लोग कहते हैं, मुझे तो कभी लगा नहीं, बस मुझे ये लगता था कि मैंने अपने समय का कुछ हिस्सा उनके साथ बिताया और जो मुझे ही आत्मसंतुष्टि दे गया। क्योंकि जब एक दुनिया के इस चेहरे को मैं देख रही थी जो इनके साथ द्वंद कर रहे थे, इनके साथ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा था, कहाँ निकालती अपनी इन बातों को, या तो कविता की पंक्तियों में या फिर एक दूसरे आक्रोश के रूप में निकलता। पर मेरी विचारधारा आक्रोश से कहीं अधिक लगता है कि मैं उसे कहीं बांट दूँ, और उस बांटने की प्रक्रिया में मैं इन सबों के बीच में जाने लगी। वृद्धाश्रम गए, उन लोगों के बीच में बैठना, उन्हें कल्याण पढ़ के सुनाना, या कुछ छोटी छोटी बातें, कभी डीसी के द्वारा हैंडपंप लगवा देना या कुछ बातें, तो उन सबों के बीच से एक उभर कर आया कि एक ऐसा चेहरा जो बच्चों के लिए विशेषकर ध्यान दे रहा है समाज के अंतर्गत। और जब जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड की बात आई और मुझे कहा गया कि आपके पति देव शिमला में हैं तो आप शिमला क्यों नहीं, तो मैंने कहा ये एक राजधानी है, यहाँ बहुत लोगों की नज़र यहाँ है और बहुत कार्य हो भी रहा है और कर भी रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहना, और जो क्षेत्र मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है अपने पति के कार्यकाल में, जैसे बंजार एक क्षेत्र है, आज भी वहाँ बहुत बहुत कुछ सुविधा और प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता है, वहाँ सभी के ध्यान के आकर्षण की आवश्यकता है, वहाँ चाहे वो इको टूरिज़्म के रूप में हो या वन के रूप में हो, या वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी गण हैं उनकी महिला पत्नियों के रूप में, यानी वो सब काम छोटे छोटे स्तर पर मेरे साथ जो मुझ पर विश्वास करती थी महिलाएं या जो भाई बंधु, उन लोगों के सहयोग के द्वारा मैं उन क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और जब ये कहा गया कि कौन सा जिला आप लेंगी, तो मैंने कुल्लू मांगा था, और कुल्लू और संक्षिप्त रूप में लाहौल स्पीति के भी कुछ केसेस कभी कभी बीच में अदा कदा हम लोग के टेबल पे बोर्ड्स में आते रहे। और जो वास्तव में मैंने देखा उस हिमाचल को, क्योंकि इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पहली पोस्टिंग हुई वो डीएफओ कुल्लू के रूप में ही थी 85 में, 85 बहुत बहुत पहले की बात है। और 85 से 90 का जो कार्यकाल रहा, उस समय मैं भी थोड़ी स्वतंत्र थी और समाजशास्त्र के एक छात्र के रूप में भी कार्य कर रही थी, तुरंत तुरंत एमए से निकले थे, मैंने विषय अभी तक लिया नहीं था पीएचडी का, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसी क्षेत्र का पीएचडी लूं क्योंकि वहाँ एक मलाना गांव है। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कौन से ऐसे दिग्गज हस्तियां हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रेस करें द बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके द बायोस्कोप की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले।